we are live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम फेसबुक फ्रेंड्स को, देखने वालों को, आपके डिजिटल सेनेटर की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। मैं एक और डिजिटल शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज जैसे ईद का सेकंड डे है और मैं मशकूर हूं अपनी एमएनए साहिबा का कि जिन्होंने आज के दिन हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं समझता हूं कि ये इनकी डेडिकेशन है अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। और मैं इसीलिए कहता हूं कि पीटीआई वाले दे आर मोर डेडिकेटेड पीपल, क्योंकि जहां भी कमिटमेंट हो, जहां पर भी मौका मिले कि वो आवाम के सामने आ सकें, आवाम में घुल मिल के बैठे, लोगों की बात सुने, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएं, तो आगे से आगे होते हैं। हमारे आज की जो गेस्ट हैं वो हमारी मैम नुसरत वाहिद एमएनए हैं, जो कि एमएनए हैं कराची से और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह एक बहुत नफीस खातून हैं और बड़े अच्छा एक इनका विजन है, और जिस तरह से अभी आपको ये बताएंगे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने तजर्बे के बारे में, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में इनको बहुत एक्टिव पर्सन पाया है, और माशाल्लाह ये वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल दी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। तो नाउ लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मैम नुसरत वाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें ईद के सेकंड डे मौका दिया और आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैम, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम डिजिटल वर्ल्ड के साथ लिंक्ड है, हम कोई पॉलिटिक्स की बात, सियासी बात, सियासियत की बात नहीं करते, मजहबियत की बात नहीं करते, बल्कि हम अपने लोगों तक, अपने आवाम तक, और बिलखसूस जो हमारे 60% नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियां, उन तक अपने कामयाब लोगों का पैगाम वहां पहुंचाते हैं, और उनसे उनकी कामयाब लोगों की जिंदगी बिलखसूस। जैसा कि मैम ये मेरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी कौम को अपने पार्लियामेंटेरियंस का एक अच्छा रुख भी दिखाएं, उन्हें पता लगे कि हमारे इस जत्थे में ऐसे लोग भी हैं कि जो उनके बारे में सोचते हैं। सो वेलकम टू यू, नाउ ओवर टू यू मैम, आप अपनी जिंदगी के बारे में, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो जो कुछ अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, जो जो कुछ बताना चाहते हैं, दुनिया से लोग आपको देख रहे होंगे, ओवर टू यू मैम प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं और शिरकत करूं। आप सबको ईद मुबारक, दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मुसलमान ममालिक में और दूसरी जगहों पे जो भी मुसलमान हैं, उन सबको ईद मुबारक, और बाकी तमाम लोगों के लिए भी खैर व आशती का दिन गुजरे, और बहुत अच्छे वक्त हो ये वाला सबके लिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना एक ऐसी चीज़ फैली हुई है जिससे बहुत डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया में, डिप्रेशन एक तरह का फैला दिया है। मैं अपना तारुफ करवाती चलूँ, मैं नुसरत वाहिद हूँ मेरा नाम, और मैं पीटीआई से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं एमएनए हूँ फ्रॉम कराची, लेकिन एक्चुअली मैं प्रेजिडेंट थी सिंध वुमेन विंग की, पूरे सूबे की मैं प्रेजिडेंट थी, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया। और रिजर्व सीट पे हम लोग खवातीन ज़्यादातर रिजर्व सीट पे एक या दो ही हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं, मेरा बचपन बहुत 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 खूबसूरत और बहुत ट्रैंक्विल एज में गुजरा है, वाकई से मेरा ताल्लुक है वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के घर जो बेंगलोर हैं वो दे आर सो ब्यूटिफुल, सो बिग एंड ह्यूज। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके गार्डन, बहुत खूबसूरत गार्डन है, तीन तीन चार चार लॉन्स हैं, जिसमें मेरे वाले साहब इंडिया से थे, गोरखपुर से थे, और वो उनको बहुत शौक था प्लांटेशन का, तो उन्होंने बाकायदगी से कश्मीर से फल मंगवा के पूरे घर में जो एक लॉन था वो मुख्तस किया हुआ था उसके लिए, और दूसरे लॉन में सब्जियाँ उगाते थे। तो वो जो सब्जियाँ हमें मिलती थी सारी ताज़ी,
और घर में मुर्गियाँ, अंडे, फ्रूट, हर चीज़ थी घर की। मतलब हमें बाहर से हार्डली कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती थी, अदरवाइज हर चीज़ घर में अवेलेबल होती थी। सेवन क्वार्टर्स, तीन दिन सेवन क्वार्टर्स, उसमें मेड्स हैं, माली है, सब सब काम बहुत अच्छे, बहुत इतमान से, और इतना खूबसूरत पीरियड कि मैं समझती हूँ आज के बच्चों को वो चीज़ मैसर नहीं कि सारा दिन खेल रही हूँ, मैं सारा दिन खेल रही हूँ, सारा दिन भाग रही हूँ। उसी भागने भागने के चक्कर में मैंने अपना हाथ भी तोड़वाया लेकिन उसके बावजूद मेरे गेम्स ख़त्म नहीं हुए कि सुबह हुई और स्कूल से अगर छुट्टी है तो जी निकल गए। लेकिन एक हुक्म था कि मगरब से पहले घर वापस आना है। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी उस वक्त कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि बच्चे के साथ कोई मिसहैप हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं, आराम से निकले, अपने फ्रेंड्स के घर गए, खेले कूदे, वापस आ गए। जो बहुत ही मज़ेदार गेम जो मैंने खेली है, एक तो दोपहर सारी दोपहर दरख्तों पे बैठ के किताबें लेके बैठे हुए हैं जी, पेरेंट्स को बताया हुआ कि पढ़ना है, बहुत पढ़ा को बच्चे और पढ़ कुछ और रहे होते थे, मतालीम तरबियत है या कोई और किताब है या कोई और रिसाला है। जो मैं और मेरे फ्रेंड साथ वाले बैंगलोर में होती थी तो हम दोनों बैठ के सारी दोपहर इस तरह गुजारते थे। फिर जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि बुढ़ियों की शादियाँ मैंने बहुत की हैं, आज के ज़माने में तो मेरे ख्याल में तस्वूर ही नहीं है, हंडपुलियाँ और शादियाँ। तो कभी मेरी डॉल है, कभी मेरा मेल डॉल है, तो वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी जनरेट रहती थी कि हम खाने पका रहे हैं, कपड़े सी रहे हैं, कपड़े सिलवा रहे हैं, मम्मी से कभी पीछे पड़े हैं कि बहन भाइयों के, बड़ी बहनों के, कि प्लीज़ कुछ बना दें इसके लिए, गुड़िया के लिए जेस भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर फ्रेंड्स आ रही हैं बारात लेके और फिर रुख्सत हो रही है गुड़िया और उस पर फिर रोना आ रहा है। तो ये चीज़ मेरी मैट्रिक तक चली है, मैं मतलब आई वॉज नॉट अ किड जब तक मैं ये खेलती थी। इसका शायद मेन जो रीज़न था वो ये था कि मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझसे बड़ी बहनें थी, भाई थे सारे, तो दे ऑलवेज ट्रीट मी लाइक द यंगर वन, लाइक अ डॉल, लाइक आई डोंट नो। कभी कोई काम करने को किसी ने नहीं कहा, कभी किसी चीज़ के लिए किसी ने नहीं कहा, बस ये होता था नहीं तुम छोटी हो, तुम छोटी हो, तुम जाओ खेलो, तुम पढ़ लो, तुम कुछ कर लो। तो इस तरह करते करते वाकई स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल है हसन अब्दाल में, उसमें एडमिशन दिलाया है अबू ने। और फिर वहाँ से फिर जब मैट्रिक हो गया तो उस वक्त ओ लेवल जे लेवल्स ने वहाँ में नहीं था एटलीस्ट। फिर उसके बाद वाह कॉलेज उस वक्त ग्रेजुएट तक था, ग्रेजुएशन तक, तो तकरीबन वहाँ के तमाम लोग जो थे वो मैट्रिक और ग्रेजुएट होते थे, 100% एजुकेशन उस वक्त तक थी, अभी भी मेरे ख्याल में वहाँ में है। फिर उसके बाद मास्टर्स किया तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, फिर शादी हो गई तो ही वॉज असिस्टेंट कलेक्टर एट दैट टाइम, लेकिन ही वॉज पायलट ऑफिसर when he retired from the Air Force, he was GT pilot and he took retirement from the job. और फिर उसके बाद CSS किया और कस्टम्स में आए, और इस तरह जब शादी हुई तो ही वॉज असिस्टेंट कलेक्टर। फिर हमारी पोस्टिंग होती रही, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची और क्वेटा। तो आखिरी पोस्टिंग जो हुई है वो 99 में इस्लामाबाद में एफ74 कॉलेज में पढ़ाती रही, लेक्चरर थी इंग्लिश की। फिर उसके बाद जब कराची पोस्टिंग हुई तो फिर मैंने कहा मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, आखिरी पोस्टिंग मेरी 99 की कराची की थी। तो उसके बाद हस्बैंड की एक दो जगह पोस्टिंग हुई लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे बड़े हुए थे, स्कूलिंग उनकी शुरू हो गई थी, तो फिर मैं उनके साथ नहीं मैंने ट्रैवल किया। बच्चे पढ़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। यहाँ पर मैंने DHA कॉलेज डिफेंस में जो है लेडीज़ के, उसमें मैंने जाके कुछ अर्सा वॉलंटियर किया। फिर मैंने स्टार्टेड फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि जो कपड़े पहनती थी उस पर होता ये था कि किसी भी फंक्शन में जाओ तो लोग कहते थे बहुत अच्छे कपड़े किसके हैं, किसी के नहीं है मेरे अपने, तो अपने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद कपड़ा लेके खुद सिलवाती हूँ अपने दर्जी से, इसलिए मेरे अपने। तो फिर सब ने मुझे बहुत परसुएट किया कि दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो यू शुड डू योर एग्जीबिशन एंड योर लाइन लाइक दैट। तो फिर मैंने कफ्स एंड कॉलर्स के नाम से अपना फैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया, जिसमें दो तीन एग्जीबिशन मेरी यहाँ पर PC शेरेटन में हुई, फिर अखबारों में, फिर TV पे और फिर मैगजीन वगैरह में आता रहा। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मरहला ज़िंदगी में आया कि आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट फॉर 4 years। इस्तांबुल पोस्टिंग हो गई मेरे हस्बैंड के एज़ ए कॉन्सल जनरल, तो बाहर मुझे फैमिली को जाना था तो हम चले गए साथ। अब वहाँ पर जाके जो
मैं कहूँगी कि मेरे अल्लाह का बहुत 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 बड़ा एहसान था मेरे ऊपर कि इन फोर्थ मंथ दे इलेक्टेड मी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक ग्रुप. एशिया से इससे पहले कोई औरत कभी इलेक्ट नहीं हुई थी ना मेरे बाद में. मुझसे पहले फ्रेंच थी, मेरे बाद इटालियन थी, फिर अमेरिकन थी, मुझसे पहले भी और बाकी, लेकिन पूरे एशिया, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, पूरे एशिया से कभी कोई खातून नहीं बनी प्रेसिडेंट, जो मुझे अल्लाह ने प्रवेश किया और एहसान है मेरे रब का मेरे ऊपर. उससे जो एक्सपोजर मुझे मिला लेक्चरशिप के बाद का, बहुत बहुत कमेंडेबल था. क्या मैं उसके लिए जितना अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगा काम है कि पूरी दुनिया के लोगों से मुलाकात न सिर्फ हो रही है बल्कि वो मेरे घर आ रहे हैं. प्रेसिडेंट अर्दोगान, मिसेज अर्दोगान और जितने प्रेसिडेंट हैं या फर्स्ट लेडीज़ हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, उनके खानों पे जा रहे हैं वो. तो ये, और फिर वहाँ पे तारुफ हो रहा है कि दिस प्रेसिडेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक ग्रुप एंड हर हस्बैंड. तो ये हर हस्बैंड वाला जो था ना, वो काफ़ी शॉकिंग होता था शुरू में कि ये क्या हो रहा है भाई, सारी उम्र मैं रहा हूँ तो अब ये क्या हो गया. लेकिन खैर बात, वो अरसा गुजरा, फिर बेनज़ीर की डेथ हो गई जब हम लोग वहीं थे. तो वी वर इन कश्मीर जब हमें खबर मिली, तो दैट वाज वेरी 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 शॉकिंग. तो वो फिर उसके बाद फिर हुआ ये कि दो महीने तकरीबन या तीन महीने हम लोग किसी रिसेप्शन पर नहीं गए, क्योंकि कंट्रीज अपना डे सेलिब्रेट करती हैं, उसके लिए आपको इन्वाइट करती हैं. हम जहाँ पर भी जाएँ तो वहाँ पर एक ही बात होती थी कि मैं ख्याल में उसको नहीं बोलना चाहिए. खैर बहरहाल फिर हम नहीं गए, तो दो महीने तीन महीने हम किसी रिसेप्शन पर नहीं गए, क्योंकि दैट वॉज सो एम्बैरसिंग कि इतनी टैलेंटेड औरत और किस तरह उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया. खैर उसके बाद फिर हम जब पाकिस्तान वापस आए तो मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज जरा लाउड कीजिएगा. अच्छा, ये तो देखने वाले लोग कह रहे हैं आपकी आवाज कम आ रही है. अच्छा, चलिए ठीक है. वैसे योर वीडियो इज परफेक्ट, योर दिस पोस्टर इज 100% ओके. माशा, हमारे लोगों को अक्सर प्रॉब्लम आती है जो ना, उनकी लाइट ठीक नहीं होती, वीडियोज ठीक नहीं. माशाल्लाह आप तो यू आर लुकिंग ग्रेट, बट जो है ना थोड़ा सा आवाज ऊंची कर दीजिएगा. यस, ये माइक जरा जी, दैट्स बेटर. जी जी, एक मिनट लगेगा अगर हेडफोन लगा ले, देखते हैं आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सारे सब लिख रहे हैं कि आपकी आवाज कम आ रही है. अच्छा, बस मैं हेडफोन लगा लेती हूँ. ओह, नाउ परफेक्ट, नाउ परफेक्ट, प्लीज कैरी ऑन. हेलो जी, परफेक्ट जी, अब ठीक है? बहुत ठीक है. तो नाउ प्लीज कैरी ऑन. चलिए, थैंक यू सो मच. तो कहाँ थी मैं, पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे याद नहीं. खैर उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए पाकिस्तान. तो यहाँ आके फिर आई वॉज डूइंग नथिंग, घर में बैठ गई मैं और बड़े आराम से. तो मेरा बेटा उन दिनों लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बड़ा बेटा, ही इज़ बैरिस्टर नाउ माशाल्लाह. तो वो उन दिनों पीटीआई के लिए बहुत काम कर रहा था, फंड रेजिंग और सब उसमें लगा हुआ था. तो उसने मुझे कहा कि अमर, डोंट वेस्ट योर सेल्फ, गो ज्वाइन पीटीआई. तो इस तरह 2009 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की और बस फिर मुड़ के नहीं देखा, बस सिर्फ पीटीआई थी उसके बाद. क्योंकि मेरे दो बच्चे यूनिवर्सिटीज जा चुके थे, बड़े वाले, बोथ ऑफ देम वर स्टडिंग इन इंग्लैंड, और जो छोटा बेटा था वो भी बोर्डिंग में था और लाहौर के पास है चांद बाग, वहाँ पे मुरीद के में वहाँ पे वो पढ़ रहा था. तो मैं बिल्कुल, आई वॉज ऑलमोस्ट अलोन, माई हस्बैंड एंड मी, ही वॉज बिजी इन हिज ऑफिस एंड देन गोल्फ. तो गोल्फ आपको पता है, उस गोल्फ सिर्फ गोल्फ नहीं होती, उसके बाद 19 होल होता है जिसमें बैठ के ये गप्पे मारते हैं, कार्ड्स खेलते हैं. तो आई वॉज ऑलमोस्ट अलोन. तो फिर जब बेटे ने मुझे कहा तो मैंने कहा चलो दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है. सो आई वेंट एंड जॉइन पी टी आई और इस तरह पर पी टी आई के लिए काम शुरू हुआ जो अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह. 2009 में मैंने ज्वाइन किया एन ए 250 था उस वक्त, 247 जो अब है, जहाँ पे आरिफ अली साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, असद उमर है, अली जैदी है, फैसल वाडा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ से 247 से, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं नए मैनेजर. तो बस यहाँ काम करती रही मैं दो ढाई तीन साल, मतलब आप ये समझें कि 13 के इलेक्शन से पहले तक. उसमें हमने बहुत कम्पेन की, बोर्ड पे सब भागे जा रहे हैं, गिजरी भागे जा रहे हैं, मतलब
बीइंग अ वाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेट, मैंने कभी तस्वीर नहीं किया था कि मैं गलियों में फिर रही होंगी या गिजरी की गलियों में, बोर्ड बेसन में, या दूर दराज ये जो नीलम कॉलोनी और फला फला फला, हर जगह जाते थे, हर जगह जाके कंपेन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इससे पहले एक बहुत और अच्छा मेरे लिए हुआ कि जब वुमेन विंग बन रही थी तो उसमें मुझे SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध इलेक्ट किया गया। सो माय फर्स्ट पोस्टिंग और पोस्ट वाज SVP वुमेन विंग सिंध। तो उसके बाद बस फिर यही हुआ, कभी वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में बन गई, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी बन गई, कभी कुछ और हो गए, कभी कुछ और हो गए, आखिरकार प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध हुई और फिर 18 का इलेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 सीटें जीत गए एंड आई वेंट इनटू द असेंबली पार्लियामेंट। बस अब आप बताइए क्वेश्चन। दैट्स ग्रेट जी। सो आपने पार्लियामेंट का सफर तो शुरू कर लिया, आप क्या कहेंगी कि जो हमारे यहाँ जैसे कि मैंने कहा यूथ है तो उसमें खास तौर पर जो बच्चियां हैं उनके लिए कि क्या उस किस तरह से जैसे आपने अपनी जगह बनाई वो अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स में किसी भी जगह, बल्कि देखिए सबसे पहले आपको ना अपनी वर्थ पहचाननी है, आपको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है, आप एक खातून हैं उस चीज़ का आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब आप मर्दों की इस दुनिया में मर्दों से डील कर रही हैं तो आप अपने और उनके बीच में एक अनसीन वॉल खड़ी करते हैं और फिर बात करते हैं कि जहां आपने कोई ऐसी लूज बॉल कराई या कुछ कराया फौरन आप नज़रों से गिर जाएंगे, कि ये इंटेंशनली नहीं होता, ये आपके अंदर इनबिल्ट होता है। आप इसके लिए अगर जिनके पास नहीं है वो समझती हैं कि गुड जोक्स करके या कोई और तरीका इख्तियार करके, प्रेजेंट करके या कुछ और कान में जाके दूसरों की शिकायत लगाने से वो शायद कोई उनको मुकाम मिल जाएगा, हो सकता है टेम्प्रेरी मिल भी जाए, लेकिन जो इज्जत है ना वो इज्जत सबसे मुकदम है और आपको सबसे पहले अपनी डिग्निटी अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। जब तक आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे उसके साथ आप काम करते रहें चलते रहें, आपके 1000 लड़के भी मिलेंगे, मर्द भी मिलेंगे, हर तरह के लोग होंगे, ज़ाहिर है मर्दों का माशरा है इसमें, लेकिन वहाँ पे आपको अपना बताना है कि आप किस फैमिली से हैं, किस जगह से हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है, क्योंकि इंसान जब ज़बान खोलता है ना तो वो अपनी अपना बैकग्राउंड बता देता है। yes. ये मेरा यकीन है। yes. तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है, उसके बाद आप आगे चलें, काम करें, आप जो भी करें, कुछ भी नहीं होगा आपको, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ कोई गलत बात कहे, गलत काम करे या गलत सोचे, जब तक आप उसको इनिशिएटिव नहीं देंगे। ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, मुझे पता है इस बात का। तो खवातीन और बच्चियाँ जो आज के ज़माने में आ रही हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अपने आप की हिफाजत करें। आप अपने आप की हिफाजत करेंगे पूरी दुनिया आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए जब आपने अपनी पर्सनैलिटी में अपनी इज्जत को, दूसरों की इज्जत को मुकदम रखा तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत सबकी नजर में बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा मैम, अब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप चूंकि बाहर रहे, माशाल्लाह आपकी बेसिक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्कल, ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा सब चीज़ों में, तो आप अब ये जो COVID-19 है इसको और इसके पोस्ट COVID-19 को कैसे देखते हैं, काइंडली ज़रा ये बताइए। देखिए COVID-19 एक बिल्कुल अजनबी सी चीज़ थी जो इंटर हुई है, और मतलब ये इससे कोई भी वाकिफ नहीं था कि क्या है और इसके क्या एवरलास्टिंग इफ़ेक्ट हैं या इसका क्या होने वाला है, इसको किस तरह डील करना है, सबके लिए नया था, तो पाकिस्तान के लिए भी नया था। लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है ना, वो मेरे ख्याल में हम लोगों का, मुसलमानों का सफाई निस ईमान है, उसका प्रूफ मिल गया है हमें कि आप ये देखें कि हम छोटी छोटी चीज़ में सफाई का ख्याल रखते हैं,
कुत्ता पास से गुजर जाए तो फौरन जाके कपड़े चेंज करने हैं, शावर लेना है कि नापाक हो गए, नमाज कैसे पढ़ेंगे, या वॉशरूम जा रहे हैं तो किस तरह हम पानी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग आज तक पानी इस्तेमाल ही नहीं करते, वो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हाथ भी नहीं धोते, तो वो क्यों नहीं बीमार होंगे? आप देखें जिस तरह वहाँ पे स्प्रेड हुआ है, हमारे यहाँ तो ना वो थी हाइजीन थी, ना हॉस्पिटल थे, ना एजुकेशन थी, ना ही बहुत साफ सुथरा माहौल है। आपने देखा है कराची किस तरह का है, तो उसके बावजूद हम इस तरह बच जा रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में वो सफाई नस ईमान वाला जो हिस्सा है ना, उसने काम किया है सारा, हमारा अल्लाह पे यकीन और सफाई, कि वो जो हम अंदर से साफ है ना, अंदर से साफ है, वो काम आया है। और उसके बाद अब क्या ईद पे देखें, जैसे आपको छुट्टी मिल गई 3 दिन की, तो इस तरह लोग निकले कि जैसे कोई जम्मे गफीर कैद से छूट गया और भागे चले जा रहे हैं जी बाजार, भागे चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर एक ईद पे सूट नहीं बनेंगे नए तो? लेकिन सबको है कि नहीं जी, नए सूट पहने, नए सूट पहने। इस दफ़ा अच्छा किया उन्होंने, लगा दिए बैन, लगा दिए कि आप लोग घरों में बैठें, कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, ताज़ सब्ज़ी मंडी जाएँ या उधर जाएँ जानवरों की मंडी में ख़रीद के लें। तो पोस्ट मेरे ख्याल में अब हमारा तो इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है, 1-2 महीने में अल्लाह चाहेगा तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास से। लेकिन अभी तक अमेरिका में भी ख़त्म हुआ, अभी तक और भी इंडिया है, ईरान है, उसमें नहीं ख़त्म हुआ, बहुत सारे मुल्क और भी हैं जहाँ पर चल रही है ये चीज़। तो अब जो है ना, अब इस सफाई को हमें अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए कि हम बाहर से आएँ, आते साथ ही पहले फ़ौरन हाथ धो लें। सैनिटाइज़र यूज़ अगर कर रहे हैं वो तो बाहर यूज़ कर रहे हैं ना, घर के अंदर तो ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर तो आप हाथ धो लें बार बार, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैनिटाइज़र यूज़ करें तो अब सैनिटाइज़र में कितना केमिकल होता है, उसके साथ अगर आप खाएँगे खाना या कोई चीज़ तो फिर वो अंदर जाएगा वो सारा केमिकल और आपको मज़ीद बीमार करेगा। तो इसका ख्याल रखना है हमें कि हम ऐसी हरकतें या ऐसे काम ना करें कि आपकी सेहत, आपको लगे कि बाहर से आपने बड़ा अच्छा काम किया भाई, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, लेकिन उसी हाथ से आप खा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो अंदर जा रही है चीज़, उसका ख्याल रखना है। फिर अब जो है, अब हमें इस डिस्टेंस को कायम रखना है। इस्लाम में मेरे ख्याल में ईद मिलने वगैरह के अलावा कोई बहुत ज़्यादा हगिंग वगैरह का कोई रिवाज नहीं था हमारे बचपन में। जैसे मुझे नहीं याद कि हमारी माँ ने जब हमें 4-5 साल 6 साल का कर दिया था, उसके बाद कभी ऐसा हो गया हर वक्त हक कर रही हैं, हर वक्त प्यार कर रही हैं, जिस तरह आजकल का रिवाज है हर वक्त कहना कि आई लव यू, आई लव यू। भाई माँ से ज़्यादा कौन प्यार करेगा? आप क्यों ये अल्फाज बार बार कहलवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं? और बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी माँ कहे हर वक्त या बाप कहे हर वक्त। तो ये अजीब सी चीज़ें आ गई हैं हमारे माशरे में जो हमारा हिस्सा नहीं है, कि हमें पता है हमें अपनी माँ से ज़्यादा कोई दुनिया की चीज़ कभी अच्छी नहीं लगी। लेकिन एक चीज़ थी ना, माँ कभी काली लगी, ना मोटी लगी, ना गोरी लगी, ना कुछ और लगी, वो माँ थी, हमने उसको एज ए माँ लिया। अब आजकल के बच्चे जो होते हैं उनको होता है कि जी माँ अगर अप टू डेट हो, ठीक से हो, अच्छे कपड़े पहने हुए, स्कूल लेने जा रही है तो वो ठीक से तैयार हो के आ रही हो। तो ये वाली चीज़ें ज़ाहिर है आजकल जो मीडिया है और स्पेशली टेलीविज़न और इस तरह की, उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को भी अवेयर कर दिया है कि माँ को अच्छा लगना चाहिए। या तो माँ तो माँ होती है, बस जैसी है वैसी है। मैम, आप चूँकि बाहर डेवलप्ड वर्ल्ड भी माशाल्लाह बहुत गए और आपने शुरू से देखा और डेवलपमेंट भी देखी, यूरोप की हो, यूके की हो, अमेरिका की हो, पोस्ट कोविड के बाद देखने में ये सामने आया है कि इस वक्त में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रूल हो गया और इस्तेमाल हो गया, ज़रूरत होगी, आप इसको कैसे देखते हैं, काइंडली ज़रा ये बताइए। देखिए ये तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली जैसे पहले था कि अभी कुछ अर्सा पहले ही कि आप फ़ोन लेके क्लास में नहीं जा सकते, अब yes. आपकी क्लास ही फ़ोन पे हो रही है। तो टेक्नोलॉजी तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी और कर रही है और कर चुकी है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं कि स्कूलों और कॉलेजों के सेशन हो रहे हैं ऑनलाइन, बल्कि ऑफिस के काम हो रहे हैं ऑनलाइन। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है, उसकी भी आप देखें कितनी ही चीज़ें आ गई, जूम है अभी जब जिस पर बात कर रहे हैं वो है, उसके अलावा स्काइप पे फलां फलां हर वक्त, यानी मुझे स्काइप यूज़ किए हुए हाल में 10 साल हो गए थे कि अब ज़रूरत ही नहीं थी स्काइप यूज़ करने की, कि इतनी चीज़ें एडवांस हो गई। लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव करना है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जो हम लोग घर में रहे हैं
तीन तीन महीने चार चार महीने बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, तो उसमें एक तो ये हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे की हमारी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी हैं, हम लोग जो एक दूसरे से अलग हो गए थे वो बहुत चीज़ इम्प्रूव हुई है कि अब हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात भी करते हैं, इकट्ठे बैठ के टीवी भी देखते हैं, इकट्ठे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी वो चीज़ें चल रही होती हैं, सारी फैमिली घर पे है और हॉलीडेज हैं टिल द एंड नोबडी नोज़। तो ये अच्छा हुआ है। हमने देखा कि जब ये थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ा और बिलखसूस लॉकडाउन के दिनों में तो बात आई, मैंने भी अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके और टाइम ज़ाया करने की बजाय डिजिटलाइजेशन को प्रेफर किया कि मैं डिजिटलाइजेशन सीखूं, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में मालूम करूं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आप चूंकि उस हाउस की मेंबर हैं तो ऑपोजिशन ने तो वर्चुअल सेशन, वर्चुअल मीटिंग और मतलब ऐसी चीजों की, ये मैं क्रिब नहीं करना चाह रहा, ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं, बिकॉज यू आर राइट देयर इन दोज डेज एज वेल। तो आपने इस चीज को कैसे लिया कि अगर आपका हाउस मीट करता और आपको कमिटीज मीट करती वर्चुअली, तो आप क्या समझती हैं कि क्या होता? बिकॉज 2.5 महीने तक ना सेनेट मिल सकी, सेशन हो सका, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च एंड अप्रैल, और ना ही ये अपना फेब्रुअरी मिड से ना ही नेशनल असेंबली और ना ही सेनेट मिल सका, इसको आप कैसे देखें? देखिए बिल्कुल अपोजिशन ने मेरे ख्याल में सिर्फ इसलिए कि अगर आप इस तरह करते तो आपको शायद पैसे ना मिलते। सॉरी, शायद इट्स ओके मैम, आप बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी, तो वो मेरा ख्याल तो यही है कि अपोजिशन ने इसलिए मुखालफत की कि दे वांटेड टू अर्न मनी, कि अब तो अदरवाइज अर्निंग के सिलसिले बंद हुए हुए हैं नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए। तो लेकिन वो मतलब तो मुझे मेरा इस बात की मुझे नहीं, सॉरी मेरा आप मेरा बोले सवाल मैम ये आपने था कि ऑपोजिशन के, देखिए यूनानिमसली उन्होंने ये कहा कि हम वर्चुअल सेशन को नहीं मानेंगे, हम जो कमेटी वर्चुअल मीटिंग्स हैं वो नहीं करेंगे, बिकॉज ये कानून में नहीं है, आईन में नहीं है। चले कानून और आईन में नहीं थी, लेकिन उसकी आप कैसे जरूरत महसूस कर रही थी और उसका हमें क्या नुकसान हुआ, काइंडली जरा उस पर बात कीजिए। देखें, कानून और आइन जो है वो इंसान ने बनाया है, वो कुरान और वेरी हदीस नहीं है कि वी कांट चेंज दैट थिंग। अब वेरी जिस वक्त कानून बना उस वक्त ये कोरोना के बारे में तो कोई नहीं जानता था, और कोई नहीं जानता था कि इस तरह घरों के अंदर कैद होके बैठना पड़ेगा, ऑलमोस्ट कैद। तो ये लोग अगर इन्होंने मुखालफत की है तो बहुत गलत की है, क्योंकि देखिए 2-2.5 महीने कम हो जाना पार्लियामेंटेरियन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कि आपकी कानून साजी बहुत ज़्यादा रुक गई, आपकी चीज़ें जो आगे बढ़नी थी वो रुक गई। उसकी वजह से आपने देखा है कि पिछले 2 महीने से हम लोग लगातार वहीं पे इस्लामाबाद में, कि बिल्कुल मुसलसल 1 महीना किया, फिर आए 5-6 दिन के लिए, फिर चले गए, फिर पूरा महीने बाद अब ईद से एक रात पहले वापस आए, और अब फिर 6 को जाएंगे, 7 से शुरू हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें थी जिसको रियलाइज़ करना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी है, और वर्चुअल उस पर होने में क्या हर्ज है। स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग हो सकती है सारी इसके ऊपर, फिर असेंबली का इजलास हो सकता है, जब यूके में हो सकता है या कहीं और हो सकता है, तो व्हाई नॉट हियर। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी इसको आना का मसला बना लेना कि जी हम अपोजिशन है, हम कह रहे हैं तो बस ठीक है, हमारी बात मानी जाए। तो ये दिस इज रॉन्ग, मतलब बहुत सारा काम रह गया। मैं आपसे शेयर करूंगा, जब मैंने ये इसी तरह ही दोस्तों ने डिजिटल सेनेटर कहना शुरू कर दिया, और वो लोग जो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, जिसमें रियान अल्लाह वाला हैं, हिशाम सरवर हैं, अमार जाफरी हैं, हमारे अमजद भाई जम्प स्टार्ट वाले, बाकी और शिराजी साहब, देर आर नॉट मेनी पीपल जो इस डिजिटल वर्ल्ड के एक सीनियर्स और गुरु गिने जाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे डिजिटल सेनेटर बनाया तो मुझे ये ख्वाहिश हुई, एंड दिस वॉज द मंथ ऑफ मार्च, कि क्यों ना मैं डिजिटल सेनेटर्स की एक मीटिंग बुलाऊं, सेनेटर्स की मीटिंग वर्चुअल डिजिटली हम करें। तो मैंने जब इवन कोशिश की तो यकीन कीजिएगा कोई भी साथ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने किया, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने 38 सेनेटर्स को बुलाकर, और देवर ऑनलाइन, एंड वी हैड द फर्स्ट एवर हिस्ट्री में पार्लियामेंटेरियंस की
इस तरह की मीटिंग वो मैंने करवाई, एंड थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस तरह का मौका दिया, और वहीं से फिर मुझे शौक भी पैदा हुआ, मेहनत भी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह ये जब मैंने अपना ये टॉक शो शुरू किया, ये जो वेब का शो है हमारा, इसका नाम भी हमने इसीलिए यही रखा कि डिजिटल सेनेटर्स शो, और उसका हमारा मेन मकसद यही है कि हम तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दोनों हाउसेस के, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अवेयरनेस ज्यादा दी जाए, उनको एक्सपीरियंस गेन करें, जितना वो इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना। अब आप देखिए कितना कंफर्टेबली घर से बैठकर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा कोई टाइमिंग का भी इशू नहीं है मैम, हम सुबह 11 बजे भी कर सकते हैं, हम शाम को 5 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं, रात को, बिकॉज ये प्रोग्राम अब समझिए लाइफ टाइम ये कैप्चर हो गया, और ये आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। अभी 5 लाइव स्ट्रीम्स इसकी जा रही हैं, यानी कि 5 स्ट्रीम्स में ये लाइवली दिखाया जा रहा है, और हजारों लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं इस वक्त में, हो सकता है बाकी रात को देखें, कल देखें, परसों देखें। और ये मैंने इसीलिए थैंक्स टू अल्लाह के चेयरमैन सेनेट साहब ने इसको बड़ा एडमिट किया, और उन्होंने ही मुझे ये ऑफिशियली खिताब दिया कि जी यू बिकम द डिजिटल सेनेटर नाउ। और जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को अभी परसों मैंने कहा सर मैं आपका डिजिटल सेनेटर, तो हंस के मुझे कहते मियां साहब मुझे पता है, अभी जो खाना हुआ था ना मैम, ये थर्सडे को जो लंच जी, सॉरी लंच, हाँ जी, और खाना हुआ था वो रात को वहां पे, दोनों जगह पे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज को, और मुझे बड़ा धारस मिली कि शायद अल्लाह का शुक्र है आई एम इन द राइट डायरेक्शन। मैम ही नोज इट, प्लीज, या एग्जैक्टली, ही नोज वेरी वेल जी। और मेरी आपसे भी गुजारिश है मैम कि हम 14 अगस्त को एक फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आई मस्ट से, और ये इसमें अगर पाकिस्तान लीड लेता है तो यू बीइंग द पाकिस्तानी इट इज ऑनर फॉर यू एंड एज वेल एज फॉर मी, कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद वी आर रियलाइजिंग द रियलिटी एंड द नीड ऑफ डिजिटलाइजेशन, एग्जैक्टली की इंपॉर्टेंस हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में घिसनी है। तो मैम हम 14 अगस्त को एक अपनी समिट करा रहे हैं, और उसका नाम भी है डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस समिट, और मुझसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कमिट किया है कि वो भी जरूर आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने जरूर ये कहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा टाइम, 14 सेशन हमने करने हैं जिसमें आप आ सकें, और थोड़ा सा आप इस पर जरूर। अब मैं चलूंगा मैम, आप क्या समझती हैं कि हमारे मुल्क में जो ये मतलब है गवर्नेंस है उसको ठीक करने के लिए डिजिटलाइजेशन और जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टूल्स हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, काइंडली थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। जी बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेटेड हो जाती है। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और ये सारी उम्र चलेगा, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया, तो इसी तरह हर इदारा, अगर जैसे FBR है या कुछ भी और, मतलब PIA है, पुलिस है, कुछ भी, कोई भी महकमा है, वो अगर सब इसी रास्ते पे चल पड़े तो उनकी एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो महफूज हो जाएगी, और फिर वो उस तरह का नहीं होगा कि जिस तरह आप देखते हैं कि जी किसी के ऊपर केस बना तो वो बिल्डिंग जल गई, सारे रिकॉर्ड खत्म हो गए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, जब ये हो जाएगा तो ये किसी एक कैमरे में, किसी एक जगह पे, किसी एक डेस्क में मौजूद नहीं होगा, ये दुनिया की कहीं पे भी आप रिकवर करना चाहेंगे आप कर लेंगे उससे, तो कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में, तो पाकिस्तान को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर ले ये वाली चीज़ उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो करप्शन हो रही है, आजकल भी करप्शन हो रही है, जाहिर है चल रही है, आपको पता है, चाहे वो चीनी है, चाहे आटा है, चाहे पेट्रोल है, चाहे जो भी आप समझ लें, तो अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी कि ये चीज़ यहाँ से इतनी गई है और वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड है उसका, और कितनी दूर गई है, कहाँ सेल हुई है, ये नहीं कि यहाँ से कहा जा रहा है कि जी वो सेल सेलिंग इट टू अफगानिस्तान और उसका हाफ से भी कम पोर्शन जो है अफगानिस्तान जा रहा है, बाकी यहीं पे है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि वो वापस आ गया है और उसके ऊपर भी सब्सिडी ली जा रही है, यानी हुकूमत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये माफिया हर तरह का काम कर रहा है। पेट्रोल सस्ता हो जा रहा है, गायब हो गया,
और जैसे ही महंगा हुआ उसी रात अवेलेबल है, क्या मेरिकल्स है ये। तो ये जब तक हम इस चीज को नहीं लेके आएंगे कंप्यूटराइज उसमें डिजिटल उसमें, तब तक हम इन चीजों का कुछ नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर अकेला क्या कर सकता है मुझे बताएं, वो बेचारा तो 16 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा। ये मुझे आपको हमें हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करना है, तो कहीं जाके वो चीज संभलेगी और इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा और इंशाल्लाह हम चल पड़ेंगे एक सही डायरेक्शन की तरफ। मैम इसी से रिलेटेड ये शाकिर अली राजपूत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्रोग्राम हमारा देखते हैं, तो इन्होंने एक पॉइंट लिखा है लेकिन मैं बाद में उस पर बात करूंगा। पहले जो आपने कहा कि जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटलाइजेशन को, थैंक्स टू अल्लाह, तो उसमें डिजिटल माइनिंग एक सब्जेक्ट है, यानी एक एक समझिए कि एक स्ट्रीम है उनकी, कि जिस तरह डिजिटल माइनिंग, वो डिजिटल माइनिंग सारी दुनिया में होती है, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन हुई उसका रिकॉर्ड किसके पास है ये किसी को नहीं पता। रीजन बीइंग कि जब भी जरूरत होगा आप कहेंगे मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड निकाल कर दे देंगे, वो अपने पैसे चार्ज कर लेंगे। बताने का मकसद ये, लेकिन मैं समझता हूं, मैंने जिस तरह पढ़ा है मैम, हमारे मुल्क में चार जो सबसे बड़े मसले हैं वेरी क्विकली आल से, सबसे पहले करप्शन, हर तरह की करप्शन, नंबर टू मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर थ्री हमारा जो है ये जो अपना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, और फिर ऑफिसेज में मेरिट बेस अपॉइंटमेंट्स एंड एज वेल एज उनकी जो जॉब्स हैं उस पर। सो बता, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जो हल है वो डिजिटलाइजेशन है। जब आप डिजिटलाइजेशन में कर लेते हैं तो हर चीज उसी सेक्टर की साफ साफ आ जाएगी। अब शाकिर साहब ने जो लिखा ये बड़े मजे की बात है मैम, इनका ये कहना है जो अभी आपने भी जैसे फरमाया कि हमने वीबॉक को SECP के साथ लिंक करने का प्रपोज किया, अब अगर आज SECP की कंपनियां वीबॉक से लिंक हो जाएं तो फिर किसी को जरूरत नहीं है कि वो जाकर, अभी आपने FBR का कहा कि FBR वालों को पैसे देंगे, एक सिस्टम में पढ़ेंगे, हजारों चीजें होंगी, समझ नहीं आती कि ये किस तरह से अपने हाथ में। वेरी सॉरी टू से यू बीइंग दी, मतलब आप तो आधा नहीं मैं कहूंगा बल्कि सवा कहूंगा ब्यूरोक्रेट हैं, क्योंकि भाई हमारे ब्यूरोक्रेसी में हैं तो आप तो उनसे ऊपर हुई तो इसलिए आप तो सवा हुई। तो उनके लिए ये है कि यू नो वेरी वेल कि अगर ये तमाम अफसराने बाला जो हैं उनके हाथ से ये पावर चली जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो सबको उनका मेरिट मिलेगा, मेरिट बेस्ड। तो इसीलिए और एज पर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आई पर्सनली फील जैसा कि वो इन सब चीजों को करना चाहते हैं, इनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो विदाउट डिजिटलाइजेशन दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। जी देखिए, मतलब मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पर कि ये वो चीज़ है जिसको आप अगर इस्तेमाल करना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर से जिसकी खान साहब 22 साल लड़ते रहे करप्शन करप्शन करप्शन, वो ऑटोमेटिकली रेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई आदमी कोशिश करेगा ये करने की तो वो फौरन पकड़ा जाएगा कि आपने तो ये कहा था या आपने ये किया था या आपके डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं और अब हो ये रहा है। तो ये ऐसी एक बेसिक चीज़ है जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल में वन ऑफ द एसेंशियल में ये है कि वी शुड बी डिजिटल, क्योंकि जब तक हमारी सारी चीज़ें इस चीज़ में नहीं अडॉप्ट होंगी, जब तक उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम जितना मर्जी चीखते रहें, जितना मर्जी बोलते रहें करप्शन ख़त्म कर लेंगे नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी को पकड़ने का। अब इसके बाद लेकिन एक चीज जरूर है, वंस इट इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि ट्रांजैक्शन कहां से हुई, किसने की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब चीजें अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। अब हम इस चीज पर आते हैं कि जैसा कि आपने तो डेवलप्ड वर्ल्ड को देखा और यहाँ पर भी माशाल्लाह आप अच्छे एलीट सर्कल में हैं, कि जो हमारे मुल्क में जैसा कि 60 पर, और ये नौजवान प्रोग्राम और यूथ के लिए अपना इमरान खान साहब हमेशा
आवाज उठाते रहे हैं, उनकी कोशिशें रही हैं और बहुत प्यार है उनके हमारे मुल्क के नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से। तो आप क्या समझती हैं हम डिजिटल वर्ल्ड में उनको कैसे लेकर जाएं और उनको क्या बेनिफिट्स हैं, जरा ये भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जिस तरह हम रोजगार फैक्ट्रियों का नहीं दे सकते, कंपनियों का नहीं दे सकते, अगर दे सकते हैं तो इस डिजिटल वर्ल्ड में आकर वो पूरी दुनिया के लिए अपने घर में बैठकर एक बच्ची जिसके पास एक छोटा सा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या इवन मोबाइल है, बहुत से काम करके उनको, अच्छा उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कोर्सेज करके वो इस तरह के डिजिटल वर्ल्ड के काम कर सकती हैं कि जिससे उन्हें डॉलर्स, पाउंड, यूरो वो उनके घर में आ सकते हैं, इसका थोड़ा सा अगर। बिल्कुल, ये देखिए ये हमारे आईटी के उसमें ये इसका काम शुरू हो चुका है और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जिसमें बच्चे घर बैठे कोर्स करते हैं और फिर दे स्टार्टेड अर्निंग इन डॉलर्स और थाउजेंड्स इन डॉलर्स वो कमा रहे हैं दूर, मतलब फार ऑफ प्लेसेस, जो कराची नहीं है, जो बड़ा शहर नहीं है, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे शहरों में ये काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने इस काम को का इनिशिएटिव ले लिया है, आईटी हमारी ये वाला काम कर रही है, कोर्सेज करवा रही है, मुसलसल कोर्सेज करवा रही है और मेरे ख्याल में तो 60,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 60-65% यूथ है और वो यूथ जो है वो ऑलमोस्ट बेरोजगार है, कुछ ही लोग हैं जिन्हें जॉब मिलती है। रोजाना मेरा फेसबुक का मैसेंजर, दूसरी जगह बड़ी बड़ी होती है, मैडम जॉब दिला दे, मैडम जॉब, मैडम कैसे कहाँ से जॉब दिलाएं, जब होगी तो मैडम जॉब दिलाएंगी ना, तो इतनी शर्मिंदगी होती है टाइम्स के, अल्लाह ने इतना बड़ा ओहदा भी दिया, इतनी इज्जत भी दी, बट वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि जिस तरह करप्शन ने इस मुल्क को खोखला कर दिया है इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए भी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम किया जाए, ऑनेस्टी लाई जाए, करप्शन ख़त्म की जाए। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसका तामीरात की जो सनत के ऊपर काम शुरू किया है, इसमें कहते हैं कि सिर्फ 12 या 45 सनतें नहीं हैं बल्कि 120 सनतें हैं जो इन्वॉल्व होंगी, और जब वो इन्वॉल्व होंगी तो ज़ाहिर है वो जॉब बच्चों को ही मिलेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रही होगी, और वो लोग जो इसमें, अब तो आप देखें फ़ोन मालिक को भी चलाना आता है, मेरे ड्राइवर को भी आता है, एक लफ्ज पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन उसको कॉन्टेक्ट का भी पता है, उसको फ़ोन भी कर लेगा, वो फेसबुक भी चला लेगा, मुझे खबरें देता है फेसबुक की कि बाजी आपकी वो दोस्त उधर गई हुई है उधर, तो मैं हैरान हूँ कि तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता तुम्हें कैसे पता है, तो कहता है मैं फेसबुक पर देखता हूँ मुझे पता चल जाता है। तो ये वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली हमारे लोग पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं ये लोग, मतलब पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं इस्लामाबाद में जब पढ़ाती थी एफ कॉलेज में, तो मेरी प्रिंसिपल जो थी वो गोल्ड मेडलिस्ट और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थी, और वाइस प्रेजिडेंट भी इसी तरह PhD उन्होंने किया हुआ था और सारा कुछ, बट दे कांट मैसेज सिंपल SMS, उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं था, कि उस ज़माने में उनको इतना ज़्यादा लगता था कि ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ आ गई है, हमसे नहीं होता, तो हंसती थी मैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली उस वक्त ना लोग गिव अप जल्दी कर देते थे, यानी हमें नहीं आता, ये नई चीज़ है नहीं, लेकिन अब नहीं है ये, अब हर बंदा चाहे वो बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का, कम पढ़ा लिखा है ज़्यादा, वो चाहता है, जानना चाहता है, और जब ये एक जस्तजू आ जाएगी आपके अंदर कि आप चीज़ें जानना चाहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न एंड यू विल डू थिंग्स। मैम मैंने 18 साल और 3 महीने की उम्र में पहली दफा जापान ट्रेवल किया था, वापसी में आते वक्त मैं हांगकांग रुका और मेरे वालिद जो थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो जब मैं जा रहा था तो मुझे उन्होंने कहा यार वो कोई एक डब्बा नुमा चीज आई है इतनी सी, तो वो तुम लेकर आना, ठीक है। सो आई बॉट अ कंप्यूटर सो कॉल्ड एट दैट टाइम एंड इट वॉज ओनली एंड ओनली सिंपली एक की पैड बोर्ड था 16K का, आज तक मुझे याद है, व्हाइट कलर का, और कलर टेलीविजन के ऊपर हम लिंक करके और उसको वो चलाया करते थे, बस करना क्या, दिस वॉज अर्ली 80s, बताने का मकसद है। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा और बड़े अफसोस से मैंने 2-3 मरतबा बात की है जी पूरे, और पिछले ये समझिए 2-2.5 महीने में कुछ 10 से ज्यादा मरतबा मैं, चूंकि मैम हमें मौका मिल जाता है, हमारे लोग कम है कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे,
अपनी, और मैं तो जी अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक 38 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं मेरे अपने 38 जी। और दूसरा मैंने रूल्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अडॉप्ट ना किया हो, उसके ऊपर कोई मोशन मूव ना किया हो, उसको किसी तरीके से हजारों के हिसाब से हमने सवाल दिए हैं जी, एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन, कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने पिछले दिनों में मुतअद्दिद बार इस पर बात की है कि डिजिटलाइजेशन इज मस्ट। आपसे जैसा मैंने कहा ये 14 दिसंबर अपना 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम जरूर ये करेंगे। और उसके साथ मैं मैम कोशिश कर रहा हूं कि हम एक मोशन लेकर आए कि हमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए है फ्रॉम बोथ द हाउसेस जो मुल्क को डिजिटलाइज करने के लिए और उससे पहले पार्लियामेंट को डिजिटलाइज करने के लिए क्या कर सकती है। देखिए मैम हमारे यहाँ हमारे यहाँ लोग करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो बड़ी मुश्किल में, इट टुक मी मैम 3 इयर्स कि अब अल्लाह का शुक्र है मेरी हर चीज ईमेल पर मुझे मिलती है फ्रॉम द सेनेट और मेरी हर चीज ईमेल पर जाती है। मैं ये ट्रेडिशनली पेपर जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करता जी, ना मैं कोई पेपर पे सवाल जमा कराता हूँ, ना कॉल अटेंशन, ना एडजर्नमेंट मोशन, ना हमारी और किसी के मोशन 218, कोई चीज मैं नहीं बिल्कुल जी जी ये सब मैं ईमेल और मोस्टली आई डू इट फ्रॉम माय आईफोन। और मेरा स्टाफ है, मेरी पूरी टीम है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे मैंने आपको कहा जी कि मैं चूंकि आई एम दी ओनली सन, अकेला बंदा मूव करता हूं और 1600 मेरे एम्प्लॉई हैं, तो उनमें से मैंने सिलेक्टेड अपने कुछ लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है। एंड दे डू एवरीथिंग। मेरे पास पार्लियामेंट की तरफ से दिया हुआ कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री वो अपना मेंबर होते नहीं है जो आपके वो इंचार्ज होते हैं पार्लियामेंट्री, जो एज अ मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, हमारे वो नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने तो बताने का मकसद ये है वी नीड, और इसमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए, जो मैंने ये शो भी इसीलिए कि लाइक माइंडेड लोगों को, और मेरी आपसे बार बार मैम गुजारिश रहे होगी कि जो और हम इस सर्कल को बढ़ा सकते हैं ताकि जो आप जैसे स्मार्ट लोग हैं जो जिंदगी को समझते हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम कुछ करके जाएं। देखिए अगर खुदा ने हमें पार्लियामेंट में भेज दिया है तो वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल, 25 करोड़ लोगों में, इसी तरह मेरे हाउस में 103 आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल, इफ वी गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी व्हाई नॉट टू अवेल इट। तो मेरी गुजारिश होगी, मैं चेयरमैन साहब इज ऑन बोर्ड, तो मैं कोशिश करूंगा अपना आप इनको भी मिलकर स्पीकर नेशनल असेंबली को, डिप्टी स्पीकर साहब से भी, ताकि हम कोई ऐसी कमेटी बनाएं कि जो कम से कम हमारे पार्लियामेंट को तो डिजिटलाइज कर सके दोनों हाउसेस को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये जो आईटी वाली कमेटी में, सॉरी आपकी बात काट रही हूं मैं, आईटी कमेटी में हम कब से ये बात कर रहे हैं कि रोज आना जो इतने पेपर्स आते हैं, एटलीस्ट 2 दरख्त काटे जाते होंगे जितने पेपर्स हमें मिलते हैं रोज के रोज, मच मोर इवन इवन मोर। और ये एक जगह हाँ क्यों, अच्छा मतलब इसको बंद करें, बस जब हो गया है डिजिटल तो बस उस पे लेके हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे, मैं अपना लैपटॉप एक दिन लेकर गया तो मुझे सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक मैसेज आया कि सर यू कांट यूज योर लैपटॉप इन द हाउस, दैट्स व्हाट इट इज, यू वी कैन नॉट यूज आवर लैपटॉप इन द हाउस बिकॉज ये आज से कोई 15 साल पहले के, जब ये 20 साल पहले कोई एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, कोई एक मोशन एक्सेप्ट हुई थी जिसके मुताबिक ये था कि आप पार्लियामेंट देखिए, इसीलिए आप अपने हाउस में देख लीजिए कोई इक्का दुक्का लेकर आते हैं। मैं यही बात कर रही हूँ ना कि वो जो भी कानून बन गया वो कुरान हदीस बन गया, कि ये इंसानी दिमागों ने इंसानी हाथों ने बनाया है, उसको चेंज करो, वक्त बहुत आगे निकल गया। अब मैंने जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो था सीगल वाला, पता नहीं क्या उसका नाम था, वही मैंने पढ़ाया अभी और शायद अभी तक पढ़ा रहे हैं वो, कि क्या है ये भाई, व्हाई कांट वी चेंज दिस, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हम वो 1958 की चीजें पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। अब हमारा तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, तो मैं नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, और वी विल मूव टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन नेशन।
कमिंग जनरेशन, ताकि हम उनके लिए कुछ कर सके। आखिर में एक बार फिर थैंक यू वेरी मच मैम, मैं कंक्लूड करूंगा। वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे एक और MNA साहिबा, और यकीन करिए मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस दे नो कि रियलिटी में इम्पोर्टेंस कितनी है इस चीज की, और अगर हम मिलकर सिर्फ काम करें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ऐसी पॉलिसीज मुरतब कर सकते हैं कि जिसमें हमारे जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलिक हैं डेफिनेटली वो ज़रूर आगे आएंगे और आकर हमारे मुल्क में इस तरह के काम करेंगे कि जिससे एक बार हम भी दुनिया की जो सफ़े अव्वल की कौमें हैं, ममालिक हैं, उनमें मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पर, बच्चे बच्चियों पर, और बिलखसूस मैं इस बात पर अपार्ट फ्रॉम के जो आई बिलीव इन इट कि जिसको अल्लाह इज्जत दे तो उसको हम सबको इज्जत देनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ने इज्जत दी और उनका ये विजन है कि वो किस तरह से अपने वक्त में, अपने टेन्योर में नौजवानों के लिए कुछ कर सके, तो यकीन करें मैं यही समझता हूं कि आज हम अपने मुल्क में डिजिटलाइजेशन कर लें, डिजिटल वर्ल्ड को ले आए, और वो लोग जो डिजिटल गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीख लें। आज के वक्त में जिस तरह मैं कहता हूं चाचा गूगल इज माय मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, रीजन बीइंग कि जब भी मुझे कोई चीज पूछनी होती है तो मैं फौरन से चाचा गूगल से पूछ लेता हूं, और अब जैसा कि मैं कहता हूं कि वो हमारी चाची गूगल भी आ गई है, चाचा को चाची मिल गई है, और सीरी इज देयर, वो आपकी बात का जवाब भी देती है। इसी तरह गूगल फैमिली इज देयर, और उसके अंदर कितने एप्स आ चुके हैं मुझे शायद नहीं पता होता। ये जब अब मैं दोबारा, आज से कोई 10 हफ्ते पहले की बात है, 2.5-3 महीने पहले जब मैं इस दुनिया में आया लॉकडाउन के दिनों में, देन आई रियलाइज कि आज तो चाचा गूगल की पूरी फैमिली बन चुकी है। व्हाई नॉट टू यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स, सो लेट्स ज्वाइन हैंड, इंशाल्लाह द स्ट्रेंथ विल बी आवर्स, वी विल बी अ पावर टू मेक आवर पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान, उस तरह का पाकिस्तान जिसका ख्वाब इमरान खान ने देखा, जिसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। इंशाल्लाह आप, मैं, हमारे MNAs, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे नौजवान सब मिलकर इंशाल्लाह हम उस तरह का पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।